ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज हम आपको सुनाएंगे एक अभिमानी ब्राह्मण की कथा। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हम सबको ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण वो होता है जो शास्त्रों को पढ़ता है, समझता है, अपने जीवन में उतारता है और दूसरों को उसको कैसे अपने जीवन में उतारा जाए इसकी शिक्षा देता है, ट्रेनिंग देता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। यानी कि जो आचरण से भी ब्राह्मण है। केवल ज्ञान होने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, या ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन जाता। इसको हम आइए इस कथा से सुनते हैं। खासतौर पे एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसको ज्ञान होता है उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। जैसे कि आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सबसे अच्छा बच्चा हूँ, क्योंकि वो तब माना जाएगा जब आप सबसे विनम्र बच्चे, सबके साथ मृदुलता से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, सबसे अच्छा संबंध बनाते हैं। यदि कोई आपको बुरा बुला बोल देता है तो भी उसको सहन करते हैं, तो माना जाएगा कि आप सबसे अच्छे बच्चे हैं। तो देखते हैं इस ब्राह्मण के अंदर कैसे घमंड आ जाता है। अभिमानी ब्राह्मण, ये हमारी कथा का इसका शीर्षक है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था। एक दिन वह गंगा नदी के उस पार जाने के लिए नाव में जा रहा था। तो इस प्रकार ये ब्राह्मण इस नाव में बैठा हुआ है। उसके साथ नाव में और भी दो व्यक्ति थे। तो ये दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और ये एक नाव को चलाने वाला व्यक्ति है जिसकी ये नाव है। तो ये तीनों यात्री इसमें बैठे हुए हैं। और उसने सोचा कि अपना समय बिताने के लिए कुछ बातचीत कर लें। तो ब्राह्मण ने सोचा कुछ बातचीत कर लें, जैसे हम भी सोचते हैं कि जब किसी से मिले तो उससे कृष्ण चर्चा ही कर लें। लेकिन इस ब्राह्मण ने अलग तरह की बात करी। ब्राह्मण ने कहा कि एक व्यक्ति से पूछा तुम कौन कौन हो और कहां से आए हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं एक किसान हूं, यानी कि मेरा काम है खेती करना, गायें पालना इत्यादि, और मेरा गांव नदी के दूसरी तरफ है। तो ब्राह्मण ने अपने बारे में बताया कि मैं ब्राह्मण ने बताया अब वो उसने अपने बारे में बताया अपने आप ही बिना पूछे हा? कि मैं एक विद्वान हूं। देखिए, कभी भी हमें अपने आप को विद्वान थोड़ी बोल सकते हैं। हम कोई दूसरा हमें विद्वान बोले तो समझ में आता है। हम कभी ऐसा कह सकते हैं कि मैं एक विद्वान व्यक्ति हूँ? तो उसको कहता है कि मैं एक विद्वान हूँ, यानी कि बहुत समझदार हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ। जो व्यक्ति अपने आप को, या कोई भी व्यक्ति अपने आप को इंटेलिजेंट बोलता है, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो घमंडी व्यक्ति है, यानी कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, तभी अपने आप को इंटेलिजेंट कह रहा है। हमने क्या सुना है, हम अपने आप को तीर्ण से भी नीचा समझते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप को मूर्ख कहते थे। एक बार उनसे पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बोला मैं तो मूर्ख हूँ। मेरे गुरु ने बोला है कि तुम एक मूर्ख हो, केवल हरे कृष्णा का नाम जपो। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है मैं एक विद्वान हूँ। यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोले, मैं इस क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाता हूँ, मैं रेस में सबसे तेज भागता हूँ इत्यादि। तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपने आप को छोटा। मैं तो एक छोटा सा आपका शिष्य हूँ, या जूनियर हूँ, या सबसे निम्न व्यक्ति हूँ। कोई भी आपसे पूछे, वैष्णव की कृपा से मैं यहाँ हूँ। तो लेकिन ये कहता है मैं एक विद्वान हूँ, मैंने शास्त्रों को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। क्या तुमने शास्त्र पढ़े हैं, ब्राह्मण पूछता है इन दोनों से। अब इन दोनों बेचारों ने तो किसान है, वो कहते हैं, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया नहीं मैंने शास्त्र नहीं पढ़े। एक व्यक्ति ने, ब्राह्मण ने क्या उत्तर दिया, उसके बाद क्या उत्तर देना चाहिए, हम उसको शास्त्र समझा सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन वो क्या कहता है, तुम मूर्ख हो, तुम्हारा एक चौथाई जीवन बेकार हो गया। यानी कि जीवन में अगर 100 साल हैं, कहते हैं तुम्हारे 25 साल जीवन के बेकार हो, तुम एक मूर्ख हो। भला किसी को मूर्ख कहने से उस व्यक्ति को शास्त्रों के प्रति रुचि बढ़ेगी? अगर आपको कोई बोले तुम मूर्ख हो, तो आपका मन वैसे ही नहीं करेगा आगे कुछ करने का, है ना। तो हमें हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी 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 अच्छाइयाँ देखकर, उनकी अच्छाइयाँ बताकर, तब वो आपकी बात सुनने के लिए राजी हो सकते हैं और फिर आप उनको भक्ति की बातें बता सकते हैं। यदि हम पहले से ही सबको मूर्ख बोल देंगे तो कोई हमारी बात सुनने के लिए कभी नहीं आएगा। लेकिन ये ब्राह्मण तो घमंडी था, इसने बोला तुम मूर्ख हो, तुम्हारा जीवन बेकार है। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछता है तुमने तो शास्त्र पढ़े होंगे। उस व्यक्ति ने भी बेचारे ने उत्तर दिया नहीं मैंने भी शास्त्र नहीं पढ़े। और इसे सुनकर ब्राह्मण ने कहा तुम्हारा आधा जीवन बेकार हो गया है, तुम्हारा यानी तुम्हें जीने का फायदा ही क्या, तुम्हारा आधा जीवन बेकार हो गया क्योंकि तुमने शास्त्र नहीं पढ़े। बात सच बात है वैसे तो, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन शास्त्रों को कई बार बिना पढ़े समझा भी जाता है। जैसे कि जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, शूद्र होते हैं, वो शास्त्रों को पढ़ नहीं पाते। ब्राह्मण लोग उन्हें सेवा देते हैं और शास्त्रों के निचोड़ को समझा देते हैं। जैसे शास्त्रों का क्या निचोड़ है कि हम तीर्ण से भी नीचा समझें अपने आप को, अपने आप को बहुत छोटा मान के सबकी सेवा करें,
और भक्तों की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, ये शास्त्रों का निचोड़ है। यदि शूद्र शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा है और इतना समझ गया तो भी उसकी लाइफ सफल है, लेकिन ये तो कह रहा है कि तुम्हारा तो जीवन ही बेकार हो गया। अब ये जानता ही नहीं है कि वास्तव में क्या वो भक्त है या नहीं है। अगर नहीं भी भक्त हैं फिर भी ये कहना उचित नहीं है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। जब हम समाज में जाएं, नॉन डिवोटीज के साथ मिलें, कभी उनसे बात करें तो कभी उनको बुरा ना बोलें कि तुम तो मीट मच्छी खाते हो, तुम तो धूर्त मक्कार हो, क्योंकि वो व्यक्ति भक्त बन सकता है। उसको अभी किसी ने समझाया नहीं था आज तक, हम समझाएं तो हो सकता है वो उसको छोड़ दे, है ना। इसलिए उनको बुरा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ हो गया, उसने बोला। परोपकार की 6 प्रणाली के बारे में जानते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि जब जिसने शास्त्र नहीं पढ़े बेचारा क्या जानेगा वो परोपकार की 6 प्रकार कैसे कैसे अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करी जा सकती, तुम जानते हो? तो बेसिकली ब्राह्मण जानबूझ के ऐसे प्रश्न पूछ रहा था जो उनको आंसर आते ही नहीं थे बेचारों को, ताकि उसकी विद्वता या उसका इंटेलिजेंस साबित हो सके वो कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा मुझे इसके विषय में कुछ नहीं पता। और तभी क्या हुआ, ब्राह्मण पूछे जा रहा था, प्रश्न पूछे जा रहा था, और वो लोग बेचारे छोटा मान रहे थे अपने आप को, उनको बड़ा शर्म आ रही थी कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तभी अचानक से तूफान आ गया और नाव हिलने लगी, झूम झूम झूम, और नाव के अंदर अगर बैठे रहोगे तो नाव तो डूब जाएगी, नाव के साथ आप भी डूब जाओगे। तो सभी ने क्या किया, नाव से कूदने की सोची, तो सभी पानी में नीचे कूद गए, तो दोनों यात्री और ये नाविक। तो अपनी जान बचाने के लिए सब लोगों ने तैर के नदी के पार जाना सोचा कि हम तैर के नदी के पार चले जाएंगे, नाव में बैठेंगे तो डूब जाएंगे। हाँ, तो पहले व्यक्ति ने ब्राह्मण से पूछा, आशा है कि आपको तैरना आता होगा। अब ब्राह्मण नाव में बैठा हुआ अभी भी, ब्राह्मण बोलता है नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी भी तैरना नहीं सीखा। अब क्या होगा, दूसरा पंडित व्यक्ति अब मौका देख के बोलता है, पंडित जी तब तो आपका आधा नहीं, एक चौथाई नहीं, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। और ऐसा कहकर सब लोग पानी में कूद गए और ब्राह्मण पानी में डूब गया। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा में मिलती है क्या, कि कभी भी हम दूसरे को छोटा साबित करने का प्रयास ना करें। हम जानते नहीं है कि कब किसी कौन लाइफ में काम आ जाए, उसकी कौन सी चीज वो भगवान के लिए इस्तेमाल कर ले। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा सा भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भगवान के लिए उपयोगी हो सकता है कि नहीं। हम देखते हैं कि भगवान मथुरा यात्रा करते हैं, जब मथुरा में जाते हैं वृंदावन से, तो एक 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 छोटे छोटे कपड़े बनाने वालों से वो कपड़े ले लेते हैं, यानी कि दर्जी, टेलर। टेलर भी भगवान की सेवा कर सकता है, एक मोची भगवान की सेवा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। हम भगवान को शूज पहनाते हैं, यानी कि शूद्र भी, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। क्षत्रिय भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, जो कि सैनिक हैं, लड़ते हैं, वो भगवान के लिए लड़ सकते हैं, जैसे अर्जुन भगवान के लिए लड़े, है ना। और इसी प्रकार से हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत इंटेलिजेंट हो या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ना हो, फिर भी वो भगवान को कुछ फल अर्पित कर सकता है, कुछ फूल अर्पित कर सकता है, कुछ जल अर्पित कर सकता है ना। तो कभी किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। जो व्यक्ति के पास जो गुण है, आपके पास हो सकता है पढ़ाई लिखाई की इंटेलिजेंस, दूसरे के पास हो सकता है उसका गला अच्छा हो भगवान के लिए, तीसरा हो सकता है मृदंग अच्छा बजाता हो, चौथा हो सकता है करताल अच्छा बजाता हो, पांचवा हो सकता है तुच्छ सेवाएं करना जानता हो, जैसे बाथरूम क्लीनिंग, झाड़ू मारना, वो भी भगवान की सेवा है। तो सभी भगवान को बराबर प्रिय है। इंपॉर्टेंट क्या है, हम कितने हृदय से करते हैं, ये नहीं कि हम कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, क्लास में नंबर कितने आते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हृदय से कितने विनम्र हैं और कैसे भगवान की सेवा में लगे हैं। तो ब्राह्मण ज्ञान में तो उन्नत था, हाँ, लेकिन उसका आचरण ठीक नहीं था, अल्टीमेटली वो उसको जान से हाथ धोने पड़े। तो ध्यान रखिए, कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए, कभी किसी की निंदा मत कीजिए। हर व्यक्ति भगवान को प्रिय है, हर व्यक्ति के पास कोई ऐसी कला है, कोई ऐसा ज्ञान है जो भगवान की सेवा में लगा सकता है, उसके उसकी सेवा को छोटा मत बोलिए कि तुम तो झाड़ू की सेवा करते हो, मैं तो इतनी बड़ी ये देखिए ये बोलने की सेवा करता हूँ, मैं क्लास में मॉनिटर हूँ, तुम तो जस्ट एक झाड़ू मारते हो, छोटी सी सेवा तुम्हें मिली हुई है। तुम तो करताल बजाना चाहते हो, मैं तो मृदंग बजाना जानता हूँ, इत्यादि इत्यादि। हर व्यक्ति भगवान के लिए इंपॉर्टेंट। एक कीर्तन में यदि करताल ना बज रहा हो, मृदंग खाली बज रहा हो, तो मजा नहीं आता कीर्तन। करताल भी बज रही हो तो मजा आता है, यानी कि हर व्यक्ति की वैल्यू है जीवन में। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, आपसे विनम्र निवेदन है, कभी किसी की निंदा, कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वो भगवान के प्रिय है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।